मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना स्वामी प्रणवानंद ने की थी। इस संस्था की स्थापना वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा एवं मानव मात्र की सेवा के लिए की गई थी और यह संस्था आज भी अपने उद्देश्यों पर चलते हुए वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा एवं सेवा के पथ पर अग्रसर है। पूरा विश्वास है कि संस्था के वर्तमान पदाधिकारी आने वाली पीढ़ी में भी स्वामी प्रणवानंद के सेवा भाव एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार की शाम भारत सेवा श्रम संघ दाऊदपुर में वासंतिक नवरात्र पूजा समारोह के तहत स्थापित मां भगवती की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्था का गोरखनाथ मंदिर से बहुत पुराना जुड़ाव है। संस्था के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था। केवल 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोरखपुर में योगी राजबाबा गंभीर नाथ से योग की दीक्षा ली थी। उसके बाद समाज को योग की शिक्षा देने में जुट गए। पूर्वोत्तर राज्यों एवं पश्चिम बंगाल में इस संस्था के कई सराहनीय कार्य हैं। वैदिक हिंदू धर्म की स्थापना के लिए इनके द्वारा किए जाने वाले सार्थक कार्यों का वहां दृष्टांत मिलता है। हर बड़े तीर्थ स्थान प्रमुख धर्मस्थल पर भारत सेवाश्रम संघ का आश्रम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 वर्ष बाद उन्हें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वह एवं उनके गुरुदेव नियमित रूप से यहाँ आते रहे हैं। सन 2012 में भारत सेवाश्रम के संत पूरे देश से गोरखपुर आए थे और अपने गुरु स्वामी प्रणवानंद के सम्मान में भव्य आयोजन किया था। इन्हीं संतों के मार्गदर्शन में समाज सकारात्मक दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर एक बार फिर इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। इस संस्था के पदाधिकारी केवल कर्मकांड ही नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप पर भी विश्वास करते हैं। इससे पहले भारत सेवाश्रम संघ भवन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही महिलाओं ने शंखध्वनि के बीच फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। परिसर में स्थित मंदिर में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने स्वामी प्रणवानंद को नमन किया और मंत्रोच्चार के बीच मां भगवती की पूजा अर्चना एवं आरती की। भारत सेवाश्रम संघ परिवार की ओर से गोरखपुर शाखा प्रभारी स्वामी निश्रेयाशानंद, कुरुक्षेत्र शाखा प्रभारी स्वामी तारानंद अचित्य लहड़ी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आनंद मुखर्जी ने मुख्यमंत्री के सम्मान में सम्मान पत्र का वाचन किया। स्वामी निश्रेयाशानंद ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री श्री गुरु भजन पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर शाखा के प्रभारी स्वामी निशेषानंद ने बलिदानी सचिंद्र नाथ सान्याल के गोरखपुर से जुड़ाव की चर्चा करते हुए आश्रम परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने के बारे में बताया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक प्रतिमा के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने की इच्छा जताई। स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल की आदमकद प्रतिमा व एक सभागार के लिए प्रस्ताव बनाकर जल्द भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थापित कराने एवं सभागार बनवाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सेवाश्रम के प्रभारी स्वामी निःशेषानंद महाराज ने कहा, हमें सीधे वहीं
अपना अभिनंदन स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के आदित्यनाथ जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वामी का स्वागत अभिनंदन करते देखें तो भारत सेवाश्रम संघ का कार्य वैदिक
की स्थापना के लिए कैसे कैसे अत्यंत सार्थक रूप से कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, इसका एक जीवंत उदाहरण उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देश के अंदर हर प्रमुख तीर्थों में और हर महत्वपूर्ण स्थलों पर भारत सेवा संघ अपनी सेवा और वैदिक धर्म के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि लगभग 3 वर्ष बाद मुझे फिर से यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने अप्रैल 19 में इस आश्रम में आया था और तब भी यहाँ पर स्वामी निष्प्रयासानंद जी के साथ यहाँ के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुझे या मेरे पूज्य गुरुदेव को अनेक बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था। 2012 में भारत सेवा श्रम संघ के सभी सन्यासी स्वयं गोरखपुर में पधारे थे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने स्वामी प्रणवानंद जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य आयोजन भी आयोजित किया था। भाइयों बहनों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा इन्हीं पूज्य संतों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में निरंतरता लिए हुए है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर फिर से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सेवा श्रम संघ केवल कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता बल्कि उसके व्यावहारिक स्वरूप पर भी पूरी मजबूती के साथ उसे अंगीकार भी करता है, उसका पालन भी करता है। और यही कारण है कि देश के असंख्य लोगों की श्रद्धा और विश्वास का पात्र यह संगठन बना है। आज मेरा सौभाग्य है जगत जननी माँ भगवती की महाष्टमी के पूजन के साथ भारत सेवा श्रम संघ के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारत सेवा श्रम संघ पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज की शिक्षाओं का निरंतर आने वाली पीढ़ी में भी प्रचार प्रसार करते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भारत सेवा श्रम संघ के इन सभी कार्यों के प्रति मेरा सदैव सहयोग रहेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारत सेवा श्रम संघ और उनकी सेवा और समर्पण के पूरे अभियान के प्रति सदैव बना रहेगा। आप सबको महाअष्टमी और नवमी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्ववर्ती उपस्थिति एक अंतराल के उपरांत बनी है और उपस्थित जन समूह की तरफ से मुझे महाराज जी को प्रणाम है और उपस्थित जन समूह को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर हम सभी खड़े हैं वह स्थान सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल जी कर्म भूमि रही है। मुझे महाराज जी से अनुरोध है कि अमर बलिदानी शचीन्द्रनाथ सान्याल जी की कर्मभूमि के संरक्षण की दिशा में भी भारत सेवा श्रम संघ परिवार निरंतर कार्यरत है। इस संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार की सहयोग की हम सभी की आकांक्षा। यह पुस्तक का अनावरण देख ले।
सचिंद्रनाथ सन्याल का आप उसका डिजाइन बना के दें। मैं ये गोरखपुर भारत सेवा संघ के प्रभारी हूँ स्वामी निश्रेशानंद जी महाराज। महाराज जी आए हैं, ये कोई नया नहीं है। भारत सेवा संघ के साथ गुरुनाथ मंदिर का संबंध बहुत पुराना है। उनको जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, तब से हमारे संबंध है और उसी का परंपरा को निभाते हुए जगन्नाथ जी भी आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मुख्यमंत्री बने हैं संपर्क टूट गया है, आना जाना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे पुराने जन्म संबंध है उसी का है। इसी के साथ साथ नवरात्रि में माँ की आशीर्वाद, उनका शक्ति, उनका ये लेने के लिए उन्हें आए थे और हम लोग बहुत खुशी या प्रफुल्लित हैं कि इस तरह का उनका आगमन और संबंधित करना हम लोग बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। हमेशा आते रहते हैं कि नहीं, इसके पहले हमेशा आते थे, जब MP थे तब भी आते थे, एक बार मुख्यमंत्री बने थे, पिछली बार भी आए थे, कोरोना के पहले आए थे। ये दूसरा पारी है जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तब भी आए और घर की तरफ बैठे, बातचीत करते रहे, खाना पीना खाए, नाश्ते जलपान भी किया, निरसा किया भाई। तो अपना अपन एक तरीका है और हम लोग बहुत खुश भी है और नवरात्रि का आशीर्वाद लेने के लिए वो हर साल आते हैं। और खास कुछ कार्यक्रम में अगर फंस ना जाए तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर फंस ना जाए तो वो जरूर आते हैं।